अलैक्म दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, फिट फाट है यार? बहुत ही परेशान हूँ। परदेसी जो लोग हैं यहाँ पर, आपको पता है तुर्की इस्तांबुल में काफ़ी सिचुएशन जो है ख़राब है, लेकिन हर तरफ यही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी नहीं, बहुत से आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी यही सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन है। तो पाकिस्तान की चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा सरकट चल ही जाता है। लेकिन जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, परदेसी लोग हैं, मेरे भाई दोस्त जो हैं, बहुत ही टेंशन में है, बहुत ही परेशानी में। क्योंकि आपको पता है, अगर प्रदेश में रहकर आपको जो है दिन का काम ना मिले, आपकी दिहाड़ी ना लगे, तो समझ लीजिए यहाँ पर आपको बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। तो अदरवाइज़ देखा जा सकता है, उम्मीद तो है, मुझे खबर मिली है कि इस मंडे को जो है वो काम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ना हुए तो फिर छुट्टियाँ बहुत, यानी कि 1-2 हफ्ता और छुट्टियाँ मिल जाएंगी। अगर ये इस तरह होगा तो यकीन मानिए बहुत सर्किट ख़राब हो जाएगा। मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्द अज जल्द काम ओपन हो जाए। और आप परदेशियों से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा, आप लोगों को छुट्टियां हैं तो बाहर घूमने फिरने मत जाएं। आज हफ्ता हुआ चला जा रहा है, मैं भी यहाँ पर घर पर ही बैठा हूँ, बोर हो गया हूँ सो सो कर, क्या कर सकते हैं। लेकिन बाहर मत जाइएगा, एहतियात कीजिएगा, बहुत जो है अपनी केयर कीजिएगा। क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, तो बहुत से मतलब कि आप कमा सकते हैं, पैसा वगैरह कमा सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की केयर करिए, अपनी जान से जो है वो प्यार कीजिए, बाहर ज़रा ग्रेज कीजिए जाने से। मैं दुआ को हूँ कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द काम ओपन हो जाए, जो है आप वापस अपनी ड्यूटीज़ पर जाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।